आज इस वीडियो में प्लेट वाली पैंट की कटिंग करना बताऊंगा। तो दोस्तों मैं नाप लिख देता हूं। 41 लंबाई है, 36.5 इंची कमर है, 41 हिप है, 27.5 जांग है और 22.5 इंची घुटना है और 18 इंची मोरी है। तो दोस्तों मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा और दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कपड़े को उल्टा करके किनार साइड अपनी तरफ रख लेनी होगी और एक यहाँ पर एक सीधा मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और इसकी लंबाई है वो 41 इंची है, तो हम 1.5 इंची का बेल्ट रोल लगाएंगे। तो 1 इंची ऊपर निकाल के और हमारी 41 लंबाई है और 3 इंची नीचे फोल्ड करने के लिए, और यहाँ से इसको सीधा कर लेंगे इस तरीके से। और दोस्तों इसकी लटक रखेंगे, तो मैंने राउंड में नाप ली थी वो 28 इंची थी, तो 3 इंची ऊपर निकाल देंगे और 28 का आधा यहाँ पर 14 इंची पर रख देंगे 3 इंची ऊपर निकाल के इस तरीके से सीधा कर लेंगे। और इसकी जांग है वो 27.5 है, तो 27.5 का आधा रख देंगे यहाँ पर। और पीछे की साइड में हम कितना लगाएंगे दोस्तों, 41 में हम लगाएंगे 24वां हिस्सा लगा लेंगे, तो 24वां हिस्सा लगाएंगे। तो 41 का 24वां हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ कितना आएगा। तो दोस्तों लगभग 1.25 इंची आएगा, 1.25 इंची निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। ये दोस्तों मैं अलग तरीका बता रहा हूँ आपको, ठीक। ऊपर से हम 1.25 इंची डाउन कर देंगे और यहां से यहां तक इस तरीके से बीच का सेंटर ले लेंगे। मोरी 18 है, चौथा हिस्सा रख लेंगे 4.5 और 9। मिला देंगे यहां से भी मिला देंगे। साइड जेब के लिए 1.5 इंची का निशान लगा लेंगे, 6 इंची खुला मुंह रख लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंची ऊपर यहाँ पर हमारी फ्लाई लग जाएगी। यहाँ पर हमें एक एक सूत क्रॉस कर लेना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक। और कटिंग कर देनी है। ये कपड़ा छोड़ देना है जाती के लिए। बैक पार्ट कटिंग करेंगे।
इस तरीके से रख लेंगे। और इन मार्कों को मिलाएंगे इस तरीके से, इस तरीके से मिला लेंगे और इसकी बैक उठा लेंगे। वो उठा लेंगे हम 1.25 इंची और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे इस तरीके से। कमर है इसकी, कमर 36.5 है, चौथा हिस्सा करेंगे तो हम 9-1 सूत यानी कि 9 और 2 सूत रख लेंगे। 1.5 इंची एक्स्ट्रा कर लेंगे, 2.5 इंची और ऐड कर लेंगे जो अंदर दबाव के लिए, सादा पैंट है 2.5 रख सकते हैं। यहाँ पर हमें 3.5 इंची लगाना होगा, इसमें कली लगेगी। और यहाँ पर हम 1.25 इंची का निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से मिलाएंगे, ये मिल जाएगा इस तरीके से। उसके बाद में ये निशान और ये निशान को इस तरीके से इसको मिला लेंगे। और इसकी हिप हैं वो 41 हैं, 41 का 1/4 ही करेंगे, 10.25। उसके बाद में हम 1.5 इंची एक्स्ट्रा ले लेंगे, सादा है नहीं तो प्लेटों में खिंचाव आएगा। और यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे। और मिलाने के बाद में ये फ्रेंच कवर रखेंगे इस तरीके से, इस तरीके से रखेंगे। यहाँ पर गोलाई लगा देंगे और दोस्तों यहाँ पर हमारी कली लगेगी, तो मैं इसकी कटिंग कर लेता हूँ, फिर आपको मैं बताऊँगा कि कली किस तरीके से लगेगी और हमारी प्लेट हैं वो कितने इंच की पड़ेगी वो भी आपको मैं बताऊँगा। तो इस तरीके से कटिंग कर लेनी है, यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे और इसको यहाँ से खोल लेंगे इस तरीके से। दोस्तों इस तरीके से इसके अंदर रख देंगे लगभग सिलाई मार्जिन रख के इस तरीके से, ठीक इस तरीके से रख देंगे। और यहाँ पर हम 3.5 इंची का निशान लगा के और यहाँ से हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक इस तरीके से मिलाएंगे। और ये हमारा फ्रेंच कवर है, ये भी इस तरीके से मिला के और इसकी कर लेनी है कटिंग। तो यहाँ से हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये हमारी ये कलियाँ लग जाएगी, इसको खोल लेंगे यहाँ से। ये हम इसमें ये कलियाँ हैं ये यहाँ पर हमारी लग जाएगी दोस्तों। तो यहाँ से दबाव होने के बाद में हमें यहाँ से 3.5 इंची रखना है, ठीक इस तरीके से हमारी ये कलियाँ लग जाएगी। और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे, यहाँ तक हमारा बेल्ट की सीट जुड़ाई हो जाएगी यहाँ पर। और मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी कमर है वो 36.5 हैं, 9.25 इंची हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे और ये एक्स्ट्रा 1.5 इंची आ रहा है तो 1.5 इंची की हम प्लेट लगा देंगे। दो एक तो हम 1 इंची की लगा देंगे, इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारा बीच का सेंटर आ जाएगा। कट लगा लिया है मैंने,
तो ये हमारा बीच का सेंटर है जो हमने कट लगाया है। तो यहाँ पर हम 1 इंची का निशान लगा लेंगे, एक प्लेट हमारी यहाँ पर आएगी इस तरीके से। और उसके बाद में हम 1 इंच यानी कि 1.5 इंची या 1.25 इंची छोड़ देंगे, 1.5 इंची छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम 0.5 इंची का निशान लगा लेंगे और इसको सीधा कर देंगे इस तरीके से। एक प्लेट हमारी यहाँ पर आ जाएगी इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से हमें ये पैंट की कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी जानकारी कैसी लगी दोस्तों? मिलते हैं और नई जानकारी के साथ।